व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ करण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माय चैनल नेम इज़ एग्जाम टप्री और होपफुली आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और अपनों का ध्यान दे रहे होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ रहे हैं और आजकल तो ऐड भी थोड़े बहुत आने लग गए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। इसी तरीके से आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर कोई आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश यहाँ पर ये करते हैं कि आप लोगों की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर हेल्प होती रहे। तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं ताकि आपको एक बेस्ट जो भी कॉलेज है या जो कॉलेज में जो ब्रांच है वो आपको मिल जाए। साथ ही साथ आने वाले टाइम पे हम लोग कॉमेट की पूरी काउंसलिंग के दौरान मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा, और MSCET की भी काउंसलिंग चल रही है, SRM की भी चल रही है, तो उसके साथ भी मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत उसके साथ भी मैं आप लोगों को नए वीडियोज़ जो हैं उस पर बनाता रहूं। तो आज का जो टॉपिक है कि अब A1 रैंक 1 से 20,000 तक के बच्चों ने रैंक अपनी जिनकी चॉइस फिलिंग की डेट थी वो आज समाप्त हो चुकी है 5 बजे। तो अब क्या प्लानिंग होगी बच्चों की और अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो देखो गाइस इसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सीट अलॉटमेंट की बात करें तो सीट अलॉटमेंट आप लोगों का 24 तारीख को सीट अलॉटमेंट होगा, और सीट अलॉटमेंट के साथ ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस ब्रांच में क्या आप लोगों को मिला है और क्या नहीं मिला है और किस कैटेगरी में क्या मिला है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एडवांस फ़ी पेमेंट हो जाएगा 24 तारीख से शुरू, 24 तारीख से और 29 तारीख के बीच में आप लोगों का एडवांस फ़ी पेमेंट हो जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ बैलेंस फ़ी पेमेंट की जो रखी हुई है यहाँ पे वो रखी हुई है 13 जुलाई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस बीच में फ़ीस करवानी है डिपॉजिट, जिसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, एक एडवांस का और एक बैलेंस फ़ी पेमेंट का। लेकिन कैटेगरी 1 की मैं बात करूँ, अगर आपको कैटेगरी 1 में मिलती है तो कैटेगरी 1 की जो फीस है CS की वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रुप बी में 1,98,000 वो आप लोगों को एक बार में ही डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आज सवेरे क्या किया था, एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी कि किस तरीके से आप लोग प्लान चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अगर फाइनेंशियल इशू है या कंस्ट्रेन है तो गाइज अभी से आप लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए किसी भी बैंक में, ताकि आपको लोन पास होते 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 होते, हालांकि पहला जो है पहला सेशन तो है ये आपको तो पे करना पड़ेगा खुद ही, इसके लिए लोन इतना इजीली नहीं मिलता है अभी, इंस्टेंटली तो आपको नहीं मिलेगा, ये तो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सेकंड ईयर तक के लिए आप लोगों को लोन हो जाएगा और जो भी आपका जो अमाउंट है ये आपका बैंक जो है रिमबर्स कर देगा, ठीक है। तो आपको मतलब 4 साल के लिए लोन आपका मिल जाएगा, और 4 साल के बाद जो भी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और तो उसमें आप लोगों को वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पिछला वाला वीडियो ही है वो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिक चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता दूँगी, एक दिन का आप लोग रिलैक्स कीजिए, अगले दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट के बाद आपकी जो फीस भरने की जो डेट है वो कल से परसों से ही शुरू हो जाएगी, और 29th को जो लास्ट डेट है उस तक आपको फीस डिपॉजिट करनी है। लास्ट बैलेंस फीस डिपॉजिट करने की जो डेट है वो है 13 जुलाई, 13th of July उसकी लास्ट डेट है। तो अब थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, फीस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसकी जो फीस है 1,98,000, और सेकंड जो ग्रुप है ग्रुप बी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ग्रुप बी में जो जो आप लोगों की ब्रांचेज आती हैं वो आप लोगों को, अगर वो वीडियो भी नहीं देखा तो उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वो आप जाके ग्रुप ए और ग्रुप बी का देख लेना, ठीक है। तो अब देखो ग्रुप बी की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड कैटेगरी में आप लोगों की जो फीस है वो है 3,07,000 रुपये, और इसको आप 2,00,000 रुपये का आपको एडवांस देना है और 1,07,000 रुपये का बैलेंस फी आप लोगों को देना है। तो अलग अलग डेट है, आप चाहे तो एक बार में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग करके भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें सेकेंड जो डेट दी हुई है थर्ड कैटेगरी के लिए जो 4,00,000 रुपये फीस है, जिसमें एडवांस आपको देना है 2,00,000 रुपये 2,50,000 रुपये के आसपास, और बैलेंस फी है 1,55,000 रुपये, तो ये बैलेंस फी है। दोनों की जो डेट्स हैं वो अलग अलग दी हुई हैं ताकि अगर आपको इस बच्चे के पास अगर इंस्टेंटली इतना अमाउंट ना हो तो वो जाके पार्टीशंस में इसको डिवाइड करता हुआ आपको फीस सबमिट कर सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, आने वाले टाइम पे जब आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी फ़ीस है वो पूरी ईयरली एक बार में पे ही होगी मई मंथ में। तो आप लोग जिसको फाइनेंशियली थोड़ा सा कंस्ट्रेन है, आप भी से बैंक के लिए अप्लाई करते हैं बैंक में स्टडी लोन के लिए, ठीक है, क्योंकि VIT का कोई ऐसा किसी बैंक से टाई अप नहीं है जहाँ से आपको लोन मिल पाए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले टाइम पे कॉमेट किएगा, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है वो आप ज़रूर कॉमेट किएगा फिल कीजिए, क्योंकि कॉमेट में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, जिन बच्चों को यहाँ अच्छे कॉलेजेस मिल गए हैं अगर वो नहीं चाहते हैं अब फिल करना तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी जो बच्चे हैं वो ज़रूर कॉमेट किएगा फॉर्म फिल करें, क्योंकि कॉमेट की एक बहुत अच्छा कॉलेज होने वाला है, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन वहाँ पर आपको देखने मिलेगा और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस वहाँ पर हैं। उसकी पूरी काउंसलिंग के दौरान मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनों का, अपनों और अपनों का। कुछ और क्वेश्चन है ज़रूर बताइए, कुछ और आप लोगों के
सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, चाहे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। साथ ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, आप चाहें तो वहाँ पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो भी वीडियोस हैं मैं डालता रहता हूँ और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वहाँ पे आती रहती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, माय नेम इज करण। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अपने और अपनों का ध्यान रखिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कोविड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय।